नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत। डीडीसीए में आरोपों के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली चौतरफा घिर गए हैं, यहां तक कि उनसे इस्तीफे की मांग भी होने लगी है। जयदीप जी, क्या अरुण जेटली को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये एक राजनीतिक उठापटक है, ड्रामेबाजी है? डीडीसीए का पूरा जो मामला है, सांसद कीर्ति आजाद पिछले 7 साल से लगातार उठा रहे हैं। 2006-07 में जब उन्होंने ये मामला उठाना शुरू किया था, तब यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने ही स्पेशल सेल है फाइनेंशियल फ्रॉड को, एसआईएफओ की जो टीम होती है वो गठित करके उसकी पूरी जांच करवाई थी। उसकी जांच के बाद भी ऐसा कोई बड़ा आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया, ये आश्चर्य की बात है। अब ये इस मामले ने वापिस तब तूल पकड़ा जब दिल्ली के एक अफसर राजेंद्र कुमार जी के लिए दिल्ली सचिवालय पर सीबीआई का छापा पड़ा। सीबीआई की छापा दरअसल राजेंद्र कुमार पर पड़ा था, लेकिन उसमें से ये डीडीसीए का जिन्न बाहर आ गया। ये जिन्न बाहर निकलकर इतना बड़ा हो गया कि अब अरुण जेटली 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा तक कर चुके हैं आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पर। तो अब अरुण जेटली जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ज्यादा निर्भर करेगा। वो ये कह रहे हैं कि अडवाणी की तरह अरुण जेटली बच निकलेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जब उनका नाम आया था उसमें हवाला कांड में, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो इसी तरीके से अगर अरुण जेटली जी इस बात पर इस्तीफा देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि देश के वित्त मंत्री होने के साथ ही साथ मोदी सरकार में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े कद्दावर नेता और काबीना मंत्री माने जाते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जेटली की तुलना आडवाणी से की है, ऐसे में उन पर इस्तीफे का दबाव और बढ़ गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये जो मोदी जी का बयान आया है, ये किस तरीके से आया है और मोदी जी के इस बयान के निहितार्थ निकालते हुए इसकी बहुत सारी अलग अलग तरीके से विवेचना होनी शुरू हो गई है। देखिए, बहुत लंबे समय तक तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी रही, क्योंकि ऐसा लगा कि ये केजरीवाल की कोई खुन्नस है। उन्होंने सीधे सीधे मोदी जी पर हमला भी किया। और एक बड़े आश्चर्य की बात यह है कि कीर्ति आजाद अरुण जेटली का नाम लेने से बचते रहे बहुत लंबे समय तक। अब हालांकि वो थोड़ा कुछ पिछले 2-1 दिनों से नाम ले रहे हैं। अरुण जेटली कह रहे हैं कि एक सांसद हम पे आरोप लगा रहे हैं, वो कीर्ति आजाद का। तो ये पूरा गणित थोड़ा सा लोगों की समझ से परे इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिस सांसद ने इस मामले को उठाया था सबसे पहले, वो कह रहे हैं कि जो मानहानि का मुकदमा उसमें मेरा भी नाम होना चाहिए, लेकिन उनका नाम उसमें नहीं है। और ऐसे में जब मोदी जी का ये बयान आता है कि आडवाणी की तरह वो बेदाग निकलेंगे, ये तो बात की बात है। ये जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे, कोर्ट में मामला चलेगा, तब तय होगा कि डीडीसीए का जो पूरा घोटाला है स्टेडियम बनने से लेके दूसरे ठेके दिए जाने तक का, उसमें खुद अरुण जेटली कितने भागीदार रहे, शामिल रहे, नहीं रहे, उन्होंने अपने व्यक्तिगत हित साधे, और जो आरोप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने उन पर लगाए हैं कि उनके परिवार का भी इसमें हित हुआ है, क्या वो सचमुच ऐसा हुआ है, ये सब तथ्य जांच के बाद सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त तो निश्चित तौर पर मोदी जी के बयान के बाद इस्तीफे का दबाव अरुण जेटली पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जयदीप जी, क्या आम आदमी पार्टी के आरोपों में दम हो सकता है या वे पूरी तरह राजनीतिक है? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मुझे ये पूरी तरह राजनीतिक लगता है। मुझे ये भी समझना जरूरी है कि डीडीसीए की बात आखिर राजेंद्र कुमार वाले छापे के बाद क्यों निकली। राजेंद्र कुमार वाला छापा था, उससे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित इस तरह क्यों बिलबिला उठी जैसे सांप की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। वो राजेंद्र कुमार जो मुख्यमंत्री के इतने विश्वस्त है, लेकिन उन पर जो आरोप लगे, उन पर जो दाग लगे, आज के नहीं, 2007 से 2012 के बीच का परिवहन और दूसरा वाटर, और जिस तरह के आरोप, उनके आंकड़ों में कमी हो सकती है। ये जो 40 करोड़ में स्टेडियम बनना था वो 114 करोड़ में बना डीडीसीए में, और लैपटॉप जो है 17,000 रुपए प्रतिदिन के किराए पर दिए गए, इस तरह के बड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामले डीडीसीए में आरोप लगे। लेकिन राजेंद्र कुमार पर भी आरोप यही है कि उन्होंने जो अलग अलग पदों पर रहते हुए ठेके दिए, वो ठेके उन्हीं कंपनियों को दिए जिसमें उनके मित्र या रिश्तेदार शामिल थे, और उन कंपनियों को उनमें फायदा पहुंचा। हालांकि वो 10 से 12 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का मामला उसमें अभी तक जो बात सामने आई उसमें आया है। तो राजेंद्र कुमार का अपराध इस वजह से कम नहीं हो जाता कि वो डीडीसीए की आड़ लेकर अरविंद केजरीवाल उसमें डीडीसीए को लेकर इतने हमलावर अरुण जेटली पर हो गए। देखिए, अभी 3 बड़े मामले इस वक्त भ्रष्टाचार को लेकर देश में सामने आए हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला जिसमें कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और गांधी परिवार के 2 प्रमुख लोग, सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी, उनका नाम उसमें शामिल है, और इसके अलावा और कांग्रेस के बड़े नेता मोतीलाल वोरा सहित शामिल है, वो लोग इसमें सामने आए। और नेशनल हेराल्ड केस की गूंज
हमें अभी तक सुनाई दे रही है और बड़ा मामला है जो एक वित्तीय अनियमितताओं का प्रकरण होने के साथ साथ बड़ा राजनीतिक मामला बन चुका है। दूसरा मामला राजेंद्र कुमार का है जो कि अधिकारी हैं दिल्ली में और मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव के पद पर रहे और सीबीआई का छापा उनको लेकर पड़ा, उनके भ्रष्टाचार को लेकर पड़ा। और तीसरा मामला ये डीडीसीए का है जो भारतीय जनता पार्टी से और उसके सबसे कद्दावर काबीना मंत्री अरुण जेटली से जुड़ा हुआ है। इन तीनों ही घोटालों की आड़ में जिस तरह की राजनीति खेली जा रही है वो सचमुच बड़े आश्चर्य और विस्मय का विषय है। वो इसलिए है कि यूपीए 2 की सरकार के पतन का एक सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार रहा है। 2G कोलगेट घोटाला, अलग कॉमनवेल्थ घोटाला, इन तमाम बड़े बड़े घोटालों की आंच ने ही दरअसल यूपीए सरकार को झुलसा दिया और कांग्रेस को 44 सीटों तक समेट कर रख दिया। अरविंद केजरीवाल का पूरा जो उदय हुआ है वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की नींव पर खड़ा हुआ है और भ्रष्टाचार विरोधी नींव की आंदोलन पर खड़े हुए अरविंद केजरीवाल, वो अरविंद केजरीवाल जो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने किसी मंत्री को या अपने अधिकारी को बर्खास्त कर देने से नहीं हिचक रहे हैं, उनके एक अधिकारी के ऊपर इस तरह का छापा पड़ने पर वो क्यों ऐसे तैश में आ गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री तक को लेकर व्यक्तिगत हमले किए और इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। तो इन तीनों ही घोटालों के कुचक्र के बीच राजनीति का जो दुष्चक्र रचा गया है, देश दरअसल सचमुच ये जानना चाहेगा कि जो भी इन घोटालों के लिए जिम्मेदार है उनको सजा मिले। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त होने की बात तीनों ही राजनीतिक पार्टियां करती रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। अब इन तीनों पार्टियों को दरअसल ये बताना पड़ेगा कि वो आरोपों और प्रत्यारोपों से परे जाकर अरविंद केजरीवाल डीडीसीए के आरोपों की बजाय, डीडीसीए के आरोप अगर सक्षम लोग कर रहे हैं, जांच वहां तक पहुंच रही है, तो उनको चिंता यह करनी चाहिए कि राजेंद्र कुमार के घोटाले का क्या हो रहा है, वो कहां तक पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाने की बजाय यह बताना होगा कि वित्त मंत्री जैसी महत्वपूर्ण पद पर रहने वाले अरुण जेटली क्या उनके खिलाफ होने वाली वित्तीय अनियमितताओं की जांच सही तरीके से होने देंगे। पद पर बने रहते हैं अगर तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये साहस दिखाएगी कि वो उस पद पर न रहे, जांच हो और जब वो बेदाग साबित हो तो ही उस पद पर वापिस आए। तीसरी ओर कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड घोटाले में देश के प्रति अपनी जवाबदेही निभाते हुए ये बताना होगा कि अखबार के नाम पर जमीनों की और दफ्तरों की जो लूट हुई उसमें कांग्रेस का कितना हाथ है। एक इतने हजारों करोड़ की जो बेशकीमती संस्था और जमीन थी उसको केवल 5 लाख और 50 लाख में सौदा करके रफा दफा करने की कोशिश क्यों कर की गई। तीनों ही पार्टियों की जवाबदेही इन तीनों ही बड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर बनती है। जदीप जी, मानहानि के दावे से जेटली को कितनी राहत मिलेगी ये इस वक्त नहीं कहा जा सकता। देखिए, मानहानि का दावा जो डीडीसीए का भ्रष्टाचार है वो उससे बिल्कुल अलग है। जो आरोप लगाए हैं उनके वकील ने कोर्ट में, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो उनका कहना यह है कि उन्होंने परिवार पर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि जेटली जी ने व्यक्तिगत पैसा बनाया, उनका कहना है कि ये नहीं बनाया और इससे उनकी मान की हानि हुई है। तो डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, डीडीसीए के घोटाले से सीधे सीधे अरुण जेटली का संबंध है या नहीं, इस बात को अलग रखते हुए एक मानहानि का प्रकरण सिर्फ इसलिए बना है कि जिस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप और आरोप ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए और पत्रकार वार्ता में दिए गए बयानों के जरिए अरुण जेटली पर लगाए गए हैं उससे वह आहत हुए हैं। और चूंकि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, देश के इतने बड़े मंत्री हैं, नेता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, तो इसलिए उनकी मान की हानि हुई है और वो उनका 10 करोड़ का मुकदमा बनता है। तो अगर इन्होंने कोई व्यक्तिगत आरोप अपने दायरों से परे जाकर लगाए हैं, क्योंकि कीर्ति आजाद पर वो कहते हैं कि उन्होंने इसलिए नहीं किया है मामला क्योंकि कीर्ति आजाद ने केवल डीडीसीए के घोटाले की बात की जो 2007 से चल रहा है और उसको लेकर एसआईएफओ और जो भी जांच होनी थी वो हुई है और उसकी एक अलग प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। उनकी नाराजगी इस बात से है कि अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास और आशुतोष जैसे तमाम बड़े नेताओं ने और राघव चड्ढा जैसे पार्टी के प्रवक्ता ने उन पर जो व्यक्तिगत आरोप किए, व्यक्तिगत हमले किए हैं, उससे वो आते और उसको लेकर मानहानि का, तो उसमें राहत उनको कितनी मिलेगी तब तय होगा जब कोर्ट अगर ये मानता है कि जो व्यक्ति हमले हुए हैं उनके पीछे कोई बुनियाद नहीं थी, उसका कोई आधार नहीं था, कोई बेसिस नहीं था और उससे निश्चित तौर पर अरुण जेटली जैसे कद्दावर नेता के मान की हानि हुई है, बदनामी हुई है, तो निश्चित तौर पर इसमें अरुण जेटली को राहत मिल सकती है और अरविंद केजरीवाल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे डीडीसीए मामले में जेटली पर लगे आरोपों की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।